हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं के हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों के बारे में, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान होने वाले वाइट डिस्चार्ज के बारे में। वाइट डिस्चार्ज महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है जो कि तकरीबन 50-60% महिलाओं में होती है। पर प्रेगनेंसी के दिनों में वाइट डिस्चार्ज की क्या सिग्निफिकेंस होती है? वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में कब नॉर्मल माना जाता है और किन केसेस में अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ अगर कुछ ब्लड स्टेन है या ब्राउनिश डिस्चार्ज है या गर्भावस्था के आखिरी के दिनों में अगर डिस्चार्ज वॉटरी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और डिलीवरी के दौरान ऐसे केसेस में किन सावधानियों का ध्यान रखा जाए, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी को आपको लगता है इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर उसके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और आपके जो भी सुझाव या शिकायतें हों कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। वाइट डिस्चार्ज, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। वाइट डिस्चार्ज पर सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है इसके बारे में बहुत सारे नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि वाइट डिस्चार्ज की वजह होती है। वजाइनल डिस्चार्ज या वाइट डिस्चार्ज वजाइना में होने वाले कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। वजाइना, जिसको कि बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का सबसे निचला हिस्सा होता है। ये ऊपर की तरफ यूट्रस से जुड़ा होता है और नीचे की तरफ इसके वल्वा से जुड़ा होता है और ये एक स्ट्रेचेबल कैनाल होती है जिसके की डायमेंशन तकरीबन 4 इंच लंबाई होती है। इसकी चौड़ाई वेरी करती है। नली पैरस फीमेल्स में ये पतली होती है और जब कोई फीमेल की नॉर्मल डिलीवरी होती हैं या वजाइनल डिलीवरी होती हैं तो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की वजह से ये डायलेट हो जाती है। वजाइना में होने वाली ग्लैंड्स से जो सिक्रीशन होता है वो नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बहुत वाइटल रोल प्ले करता है और डिलीवरी के दौरान भी वजाइनल सिक्रीशंस का बहुत अच्छा रोल होता है। पर वे महिलाएं जो कि गर्भवती होती हैं उनके केसेस में वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। वाइट डिस्चार्ज का जो कारण होता है वो गर्भावस्था के दौरान यूट्रस का जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे कि गर्भवती शिशु को अच्छे से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। तो उन ग्लैंड्स की सप्लाई भी बढ़ जाती है जो कि वजाइना में होते हैं, जिससे कि होने वाला जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। बहुत बार महिलाएँ गर्भावस्था की शुरुआत में सफ़ेद पानी की शिकायत करती हैं जो कि टोटली नॉर्मल होता है। गर्भावस्था के दौरान थोड़ा बहुत वेटनेस या कुछ सिक्रीशंस हो सकते हैं जो कि वजाइना में रह सकते हैं और हो सकता है महिला के अंडर गारमेंट्स को हल्का फुल्का गीला भी कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली नॉर्मल होता है। नॉर्मल वजाइना डिस्चार्ज की ये पहचान होती है कि ज़्यादातर ये कलरलेस होता है और ओडरलेस होता है। पर अगर किसी गर्भवती महिला को गर्भावस्था के शुरू के 3 या 4 महीनों में इस डिस्चार्ज में ब्लड स्टेन दिखाई देता है या ब्राउनिश डिस्चार्ज दिखाई देता है तो ज़रूर ये चिंता की विषय हो सकता है। तो अगर किसी महिला को इस ब्लड स्टेन डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है या एक आध ड्रॉप ब्लड जा रहा है या डार्क ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है तो ज़रूर उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। गर्भावस्था के शुरुआत के दिनों में तकरीबन 10-15% प्रेगनेंसीज अगर ठीक से नहीं ग्रो कर पाती हैं तो बहुत बार रेड या ब्राउन डिस्चार्ज की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे केसेस में एक अल्ट्रासाउंड करके गर्भवती शिशु की धड़कन चेक करना और उसकी वायबिलिटी और ग्रोथ को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरे केसेस वे होते हैं जहाँ की डिस्चार्ज वॉटरी होता है और ऐसे केसेस ज़्यादातर गर्भावस्था के 7वें, 8वें या 9वें महीने में देखे जाते हैं। इसका कारण होता है बैग ऑफ वाटर में लीक होना या रप्चर होना। आमतौर पर जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है तो वो एक बैग ऑफ वाटर के अंदर होता है और ये बैग ऑफ वाटर का काम होता है कि वो गर्भवती शिशु के मूवमेंट को इंश्योर करता है, गर्भवती शिशु को प्रोटेक्ट करता है बाहरी किसी चोट से, झटके से। तो ऐसे केसेस में बैग ऑफ वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और आमतौर पर डिलीवरी के समय बैग ऑफ वाटर को रप्चर किया जाता है। जब भी कोई महिला नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडमिट होती है तो उसका बैग ऑफ वाटर हम रप्चर करते हैं, जिससे कि जो फीटस है वो नीचे खिसके और नॉर्मल डिलीवरी फैसिलिटेट हो। कभी कभी कुछ महिलाएँ 8.5 या 9 महीने के आसपास लीकिंग की तरह प्रेजेंट करती हैं, यानी कि पहले उनके लेबर पेन शुरू होने से पहले बैग ऑफ वाटर रप्चर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जहां प्रेगनेंसी 8.5, 8.5 या उससे ज़्यादा टाइम की है, डिलीवरी कराना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इस 8 महीने के बाद जो बच्चे का विकास होता है वो तकरीबन पूरा हो जाता है
और ऐसे केसेस में अगर बैग ऑफ वाटर लेबर पेन से पहले रप्चर हो रहा है तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है और आमतौर पर ऐसे केसेस में डिलीवरी के लिए प्रोसीड किया जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये बैग ऑफ वाटर सातवें या आठवें महीने में रप्चर हो जा रहा है तो ये एक ज़रूर चिंता का विषय होता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? वे महिलाएं जिनको कि पहले से ही पॉलीहाइड्रामनियोस या गर्भवत शिशु के साथ पानी ज़्यादा होने की शिकायत हो सकती है, जिनका AFI 25 या उससे ज़्यादा है, ऐसे केसेस में लीकिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी के केसेस में भी लीकिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर ट्विन प्रेगनेंसी है वहाँ पर लीकिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी वजह से गर्भवत शिशु की पोजिशन नॉर्मल नहीं है, माने वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी लीकिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बैग ऑफ वाटर होता है वो अच्छी तरह से सपोर्टेड नहीं होता है। वे केसेस जहाँ पर कि सर्विक्स की इनकॉम्पिटेंसी एक कंडीशन होती है, जहाँ पर कि गर्भावस्था का मुँह या सर्विक्स जो है गर्भाशय का मुँह वो पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं होता है, और कभी कभी 7 महीने के बाद गर्भावस्था गर्भाशय का मुँह खुलने की वजह से लीकिंग हो जाती है, और ऐसे केसेस में समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेज रहते हैं। इसके अलावा अगर किसी महिला को हाई ग्रेड फीवर या कोई चोट की शिकायत होती है तो ऐसे केसेस में भी कई बार लीकिंग हो जाती है। तो ये कंडीशंस हैं जहाँ पर कि लीकिंग की संभावना ज़्यादा होती है, पर कुछ केसेस में लीकिंग बिना किसी रिस्क फैक्टर के भी हो सकती है। तो अगर लीकिंग की परेशानी 7वें या 8वें महीने में आ रही है तो ज़रूर ये एक चिंता का विषय है। अगर गर्भावस्था में की जो ड्यूरेशन है वो 7.5 महीने से ज़्यादा है, यानी 32 वीक्स से ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में कुछ ट्रीटमेंट देकर 2 या 4 दिन वेट करने के बाद डिलीवरी कराना सेफ रहता है। लेकिन अगर उससे पहले के समय में लीकिंग हो जा रही है तो इसको ज़रूर सीरियसली लिया जाना चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक अल्ट्रासाउंड द्वारा गर्भवती शिशु का जो वेट है उसको इंश्योर करें कि ठीक है, और कई बार ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी को 2 या 3 हफ्ते तक प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके बाद जब भी डिलीवरी होती है तो कम वजन और कम दिनों की वजह से बच्चे को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केसेस में ज़रूर इंश्योर करें कि डिलीवरी आप ऐसे ही सेटअप में कराएं जहाँ पर कि NICU की फैसिलिटी बहुत अच्छी अवेलेबल हो। तो इसलिए वाटरी डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये किसी खतरे का भी संकेत हो सकता है। ऐसे केसेस में आपको जागरूक रहना ज़रूरी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, गर्भवत शिशु के वेलबींग को इंश्योर करें और ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से फॉलो करें। थैंक यू।